हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जो इफ्तार के लिए बहुत ही आला डिश है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शामी कबाब का जो है वो पाउडर मसाला रेडी कर लेंगे। हम साबुत नहीं डाल रहे हैं इसको, क्योंकि वो मुँह में आते हैं। पकने के बाद भी आप ग्राइंड करेंगे तो भी वो मुँह में आते हैं, तो मैं पीस करके डाल रही हूँ। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 तेज़पत्ता है, छोटे साइज़ का है इसलिए मैंने 3 लिया है। आपके पास बड़े हों तो 2 ले लीजिए। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून है साबुत काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची है काली इलायची, 1/4 जो है वो हरी इलायची है, 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, 10 से 12 हैं लौंग, 2 टेबलस्पून है साबुत धनिया, 6 है सूखी लाल मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा है जावित्री का। ये सारे मसाले को आपको पीस लेना है, सिवाय कि तेजपत्ते के। तेजपत्ता जो है हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। साबुत मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है, अब सीधे हम कुकिंग पे चलते हैं। आइए स्टार्ट करेंगे। प्रेशर कुकर में मैं अभी ऐड कर लूँगी 1/2 किलो मटन। इसको धोकर मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में रखा है ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए और इसे पीसने में भी आसानी हो। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप चने की दाल है, जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ था 1 घंटे के लिए। एक मीडियम साइज का प्याज है जिसे रफली चॉप किया हुआ है, 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तेज पत्ता है जो हमने साइड में कर लिया था, पाउडर मसाले, साथ में इसमें चला जाएगा नमक एज पर टेस्ट, पानी ऐड कर लेंगे इसमें, जरा जरा से ऐड करेंगे। मैंने 1 ग्लास जितना पानी लिया था वो मैंने इसमें यूज कर लिया है। आप अपनी कुकर की सेटिंग के हिसाब से और साइज के हिसाब से देखकर पानी ऐड करिएगा। ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं चाहिए क्योंकि बाद में हमें इसे ड्राई करना है। गैस को करेंगे ऑन, इसका लिड लगाएंगे। 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देंगे। तरह से गल चुका है और जो मटन भी है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। लेकिन अभी भी इसमें लिक्विड है, पानी है। गैस ऑन करेंगे और ये जो सारा पानी है इसे हम सुखा लेंगे। इसे हमें बिल्कुल ड्राई करना है, वरना जो कबाब है वो नहीं बन पाएंगे। फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में रखते हुए इसे चलाते हुए ड्राई कर लेंगे और इसके जो तेज पत्ते थे जो हमने इसमें डाले थे हमें वो निकाल लेना है। ये देखिए, ये जो सारे तेज पत्ते थे हम एक एक करके निकाल लेंगे। ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इस तरह की से जो दाल गोभी होती है उससे मैं इसे प्रेस कर करके जो मटन के जो पीसेस हैं उसे बहुत अच्छे से मैश कर रही हूँ, ताकि बाद में जब हमें इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करना पड़े तो बिल्कुल ही आसानी से हो जाए। प्लेन उसी तरह से रहेगा मीडियम और हाई के बीच में और इसे आप चलाते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। पिछले 10 मिनट से मैं इसे चला रही हूँ कंटिन्यूसली और इसका पानी मैंने सुखाने की कोशिश की है। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस तरह से कुछ जब ये इसके साइड्स पे लगने लगे तब आप समझ जाइए कि ये बिल्कुल ड्राई है। कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा ये, जिसमें कि बिल्कुल ही इसमें लिक्विड ना रह जाए। तब आप इसे फ्लेम से बंद कर लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और उसके बाद में इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके हमने इसे रख लिया है। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ कुछ कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही में आप इसमें ऐड कर सकते हैं
एक टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स या तो कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, लेकिन मुझे ये जो मिक्सचर है वो ऑलरेडी स्पाइसी लग रहा है तो इसमें मैं अब ऐड नहीं करूँगी। आप चाहें तो आप ज़रूर ऐड कर लीजिए। इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इक्वल साइज के बॉल बना के रख लिए हैं। और इस तरह से मैं इसे टिक्की का शेप देते हुए अपने सारे शामी कबाब रेडी कर लूंगी। ये बनाने से पहले आप अपने हाथ जो हैं वो ऑयल से ग्रीस कर लीजिए या पर आप हाथों को गीला कर लीजिए पानी से और फिर स्टार्ट करिए इस तरीके से। और बाकी के भी सारे शामी कबाब हम इसी तरह से बना लेंगे। हमने हमारे शामी कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। जितना हमने मटन और दाल का मिक्सचर लिया था उसमें हमारे ये 14 कबाब बने हैं जो मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं। अगर आप छोटे बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बन सकते हैं। इसे अगर आपको स्टोर करना है तो किसी एयरटाइट कंटेनर में आप इसे रख कर स्टोर कर सकते हैं। ये आपके आराम से 4 हफ्तों तक रह जाएंगे। रमज़ान के लिए अगर आप बना के स्टोर करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उस तरह से आप रख सकते हैं। और आइए मैं इसे आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तेल गरम हो चुका है और इसमें हम हमारे कबाब ऐड कर लेंगे। शामी कबाब के ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। दोनों तरफ से इसे हम निकाल लेंगे। तो रेडी है हमारा डिलिशियस शामी कबाब। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और इसे फ्राई करने में भी बिल्कुल वक्त नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका होता है। बस आपको उसको हल्का सा शैलो फ्राई करना होता है। इसे ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।